हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। देखिए पाइथन में अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं दिए गए नंबर को तो कैसे कर सकते हैं, आज की ये वीडियो पूरी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि 8:30 बजे से आज एक्सेल की क्लास होगी जो कि डेली होती है, तो जुड़ना मत भूलिएगा आज शाम 8:30 बजे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी एक्सेल की लाइव क्लास करनी है वो लोग वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, तो वहां से जुड़िए। और जिन लोगों को एक्सेस की क्लास चाहिए वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या जिन लोगों को टैली की क्लास चाहिए तो टैली की क्लास एक ही दिन चलेगी, एक दिन में पूरा 4 घंटे का क्लास चला के खत्म टैली, ठीक है। तो पूरा टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड टैली खत्म कर दूंगा 4 घंटा क्लास चला के। चलिए आइए बात करते हैं पाइथन की। तो यहां से पाइथन को ओपन किया, सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर जैसे ही पाइथन को ओपन करेंगे तो यहां एक वेरिएबल बनाना, तो ए नाम से वेरिएबल बनाया। अब यहां पर लिखते हैं 255 या 155 लिखते हैं, कुछ भी ऐसे करके लिख दिया। अब ये 155 अगर हेक्साडेसिमल में होता तो ये क्या होता, तो यहां पर ये तो अभी डेसिमल है, अभी इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्स नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में, हेक्स नाम का, ठीक है। तो यहां पर हेक्स लगा दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से हेक्स लगाया। और यहां प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, ए को प्रिंट करवाएंगे, F5 करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आ चुका है। देखिए ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है 9B, देख सकते हैं ना, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 9B, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर इसको हेक्स, अब देखिए ये 9B आया, जो आया हुआ है इसको अगर हम एक्सेल पे लेते हैं, देखिए यहां से एक्सेल ओपन करता हूं, एक्सेल में तो फॉर्मूला बना बनाया आपको मिल जाता है। तो यहां से ये हेक्स डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे आएंगे हम, तो यहां पर डेस टू हेक्स करेंगे, तो ये देखिए डेक्स टू हेक्स आ गया है, ये देखिए ये है। और यहां पर क्या करेंगे, 155 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो यहां देखिए 9B ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पाइथन में कैलकुलेट कर सकते हैं।